हाय गाइस, मैं हूँ स्नेहा, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो हम में से ज़्यादातर लड़कियों की लाइफ में एक इंसान जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है हमारे पापा। और अगर आप गौर से सोचो तो वो हमारे लिए इतना करते हैं जिसे शायद वर्ड्स में बता पाना बहुत मुश्किल है। तो जब भी कोई ऐसा ओकेजन आता है जहाँ पे मुझे उन्हें कुछ देने का मौका मिलता है तो मैं काफ़ी दिन पहले से प्लानिंग करने लग जाती हूँ। और इस बार मुझे फादर्स डे पे लगा कि पापा को मुझे कुछ ऐसा देना चाहिए जो उनके लिए यूजफुल तो हो ही, बट जब भी वो उसको इस्तेमाल करें तो उन्हें मेरी याद ज़रूर आएगी। एंड गाइज, व्हाट बेटर गिफ्ट दैन अ प्रीमियम परफ्यूम जिसकी स्मेल बहुत लॉन्ग लास्टिंग हो। तो उनके लिए मैंने सिलेक्ट किया उस्त्रा का ये माल्ट परफ्यूम, विच बाय द वे हैज़ अ वेरी मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस। And I think this is a perfect gift for someone like my father. Okay, so ये जो उस्त्रा का मॉल परफ्यूम है और इसकी जो फ्रेग्रेंस है उसके बारे में अगर मैं थोड़ी सी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँ तो इसमें जो टॉप नोट्स हैं वो है बर्गमॉट, मस्क और वेटिवर के। मिडिल नोट्स हैं लैवेंडर, नरोली, बालसम एंड कॉफ़ी के। और बेस नोट्स हैं टोंका बीन, पचोली, वेटिवर और टबेको के। एंड इसमें ना एक बहुत वुडी फ्रेग्रेंस है, सो मुझे लगा कि ये मेरे पापा की जो पर्सनालिटी है उसको बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करेगा। एंड इसमें जो लैवेंडर और नेरोली के बेस नोट्स हैं ना वो इस परफ्यूम को बहुत लॉन्ग लास्टिंग बनाते हैं एंड बहुत एक स्मूथ सी स्मेल देते हैं। और इस कॉम्पोजिशन की वजह से इस परफ्यूम की स्मेल 6 से 8 घंटे तो रहेगी ही। अब आपको लग रहा होगा कि ये इतना प्रीमियम परफ्यूम है तो ये बहुत महंगा होगा, मतलब इसको देख के इसको इस्तेमाल करके आप सोचोगे कि इट इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव, बट प्रोडक्ट की क्वालिटी के हिसाब से आई थिंक जो प्राइस रखा गया है दैट्स रियली रीजनेबल। एंड पैकेजिंग तो आप देख ही रहे हो, मतलब किसी भी ओकेजन में ये गिफ्ट करने के लिए आई थिंक एकदम परफेक्ट है। मैं तो आपको फादर्स डे के ओकेजन के लिए बता रही हूँ, बट you can you know easily gift it to your husband, to your brother, to your boyfriend. तो अगर आपको ये perfume पसंद आया तो आप ustra.com पे जाके इसको खरीद सकते हैं। And you can use my coupon code Sneha20 for a flat 20% off. इसके अलावा जो Amazon and Flipkart के links हैं वो भी मैं नीचे description box में आपके लिए ज़रूर डाल दूँगी। So आजकल मेरे पापा को गाने का बहुत शौक है free time में, and he's been like practicing a lot of singing and music, and khud to practice kar bhi rahe hain, saath mein mujhe bhi wo involve karte hain, you know, wo karaoke tracks pe. And honestly this is such a good time for father daughter bonding, matlab main to ise bahut enjoy kar rahi hu aajkal. Aur chalo ab main aapke saath thodi apni bachpan ki photo share karti hu papa ke saath. This is how I used to be with my father when I was young, and मैं भी अपनी यादें ताज़ा कर रही हूँ एंड होपफुली आपको भी अच्छा लगेगा, आपको भी अपना जो पापा के साथ बॉन्डिंग है वो थोड़ा सा आप रिकलेक्ट कर सकते हो एंड फील गुड अबाउट द ओल्ड डेज। बिकॉज आजकल जब हम लोग ज़्यादातर टाइम घर पे हैं तो ये जो पुरानी मेमोरीज हैं ना रिफ़्रेश करना बहुत अच्छा लगता है। एंड स्पेशली फादर्स डे पे तो पापा के साथ, मतलब मुझे तो अच्छा लग ही रहा है। अगर आप भी करोगे ना तो ओल्ड यू नो जो एल्बम्स हैं जस्ट गो थ्रू देम एंड अपनी यादें ताज़ा करो, आई थिंक बहुत एक अच्छा सा वो फादर्स डे मनेगा। एंड मैं सोच रही हूँ कि फादर्स डे पे एक अच्छा सा डिनर प्रेप किया जा सकता है पापा के लिए। बिकॉज क्या होता था कि कुछ साल पहले तक तो मैं खाना नहीं बनाती थी, वेरी रिसेंटली मैंने खाना बनाना शुरू किया है। सो आई थिंक अगर मैं जो भी बनाऊँगी सो इट शुड बी रियली स्पेशल फॉर माई फादर, and I think he should like whatever I cook for him. Bahar se order karna is a good option, but I think he'll like it even more if I cook like a few dishes that he loves and probably mom makes them and I can also try them. I've been trying a few dishes that he likes and hopefully us din jab main banaun so he will be happy and maybe proud of my cooking skills. And one thing more, aap bhi ye try karna. I have asked my father to take a day off from work on that day because otherwise weekdays or weekend he's always working and ek din to unka rest karna banta hai, especially father's day pe when you know we can make him feel a little special
एंड ये छोटी छोटी चीज़ें उनके लिए कर सकते हैं, इस तरीके के छोटे गिफ्ट्स खरीद सकते हैं, उनकी मनपसंद डिशेस बना के उनको खिला सकते हैं एंड आस्किंग हिम कि उस दिन एटलीस्ट वो रेस्ट करें, ऑल द वरीज ऑफ द वर्ल्ड कैन बी केप्ट असाइड फॉर अ डे एंड मेक हिम फील अ लिटिल पैम्पर्ड एंड अ लॉट मोर स्पेशल. सो ये थी मेरी आज की वीडियो कि फादर्स डे पे मैं क्या क्या स्पेशल प्लान कर रही हूँ अपने फादर के लिए. कुछ गिफ्ट्स हैं, कुछ इस तरीके की एक्सपीरियंस हैं जो मैं अपने फादर के साथ शेयर करना चाहती हूँ स्पेशली ऑन फादर्स डे. आप लोग क्या स्पेशल प्लान कर रहे हो फॉर योर फादर? क्या कोई गिफ्ट खरीदने का सोच रहे हो, कुछ इस तरीके का छोटा मोटा स्पेशल उनके लिए करने वाले हो जिससे उनको बहुत पैम्पर्ड फील होगा उस दिन? मुझे नीचे कमेंट्स में लिख के बताना बिल्कुल मत भूलिएगा. मेरी आज की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू. बाय बाय.